अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुम्हें उन्हें जेल से बाहर निकालना होगा, वरना वरना हमरा सुहाग है ना, हम हाँ? अरे अम्मा, कमरे में लेके चलो हम। अरे माँ, माँ, अरे पकड़, कमरे में आराम से, आराम से। कहाँ हो गया? कैसा धर्म संकट है भोलेनाथ, इस समस्या को हम कैसे सुलझाएं? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम मुख्यमंत्री हैं, पर हमारा मुख्यमंत्री होना तो हमरे ही परिवार के लिए नुकसान हो रहा है। क्या करें हम भोलेनाथ, कोई तो रास्ता दिखाओ। भैया। हाँ मैडम। हमें आपसे मदद चाहिए, कहाँ आप हमको एक जगह लेके जाएंगे बिना किसी को बताए? जी मैम बोलिए, अब आप जो बोलेंगे हमें करना पड़ेगा ना, बताइए कहाँ जाना है आपको? कहाँ हो तुम, कैसी हो? बहुत याद आती है तुम्हारी। आखिरी बार जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम्हारी कोख में हमारी निशानी थी। कैसी होगी मेरी औलाद, काश मैं एक बार देख पाता अपनी औलाद को। बिंदिया बेटा, कैसी हो तुम? बड़ी तारीफ कर रहे हैं लोग तुम्हारी, तुमने उस पाखंडी तपोमा का खुलासा जो किया, लोगों को अंधविश्वास के खिलाफ सचेत किया है तुमने। क्या हुआ बेटा? बिंदिया बोलो, क्या हुआ बेटा? बिंदिया, 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 ये बिंदिया कहाँ चली गई है? हमें माफ कर दीजिए बाबूजी, पर हमसे ये सब नहीं हो रहा, हम नहीं संभाल पा रहे मुख्यमंत्री का पद। बहुत ही अजीब सी दुविधा में फंस गए हैं हम। कैसी दुविधा? समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें। सच का साथ दे या रिश्तों का? बिंदिया या हमारे पास बैठो आके। अपने ससुर कांतिलाल को गिरफ्तार करवाना पड़ा, यही सोच रही हो ना? हमने तो ये आदेश दिया था कि जो पानी दूषित कराने का दोषी है उसको गिरफ्तार किया जाए। हमें कहा पता था कि काम हमारे खुद के ससुर जी का निकलेगा। अच्छा एक बात बताओ बिंदिया, अगर तुम्हें पता होता तुम के गिरफ्तारी का आदेश नहीं देती, छोड़ देती मुजरिम को सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारे ससुर हैं? सालों पहले मुझे भी एक ऐसा ही फैसला लेना पड़ा था बेटा, लेकिन मैंने फर्ज को चुना था, क्योंकि जब आप जनता की सेवा करने की शपथ लेते हैं तो फर्ज से बढ़कर कुछ नहीं होता। अर्जुन ने जब महाभारत युद्ध से पहले अपनों को अपने खिलाफ देखा तो अपना धनुष नीचे रख दिया था, तब श्री कृष्ण ने उनसे क्या कहा था जानती हो ना?
कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्लोक जानती हो तो इसका अर्थ भी जानती होगी, तो मुझे बोल के सुनाओ, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, जो हो रहा है उसे अपने कर्म की वजह मत समझो, ना कर्तव्य करना मत छोड़ो। मिल गया ना जवाब, कभी भी कुछ पूछना हो तो हिचकिचाना मत, मुझे अपना पिता ही समझो बेटा। अरे तुम, मैं यही सोच रहा था कि तुम साथ क्यों नहीं आए। वो इसलिए सर क्योंकि आपके अंतरिम मुख्यमंत्री बिना अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को बताए यहां पर आई चुपके से। ओ अबे बात ही कुछ ऐसी थी, लेकिन मैं इसकी तरफ से तुम्हें आश्वासन देता हूं कि आगे से ऐसा नहीं करेंगे। बेटा तुम कहां जा रही हो इसकी अभय को दो कारणों से जानकारी होना बहुत जरूरी। एक तो ये कि वो तुम्हारा चीफ ऑफ सिक्योरिटी है और दूसरा वो तुम्हारा पति भी है। यही सच है मेघा, मैं बिंदिया से प्यार करता हूं, मैं बिंदिया से प्यार करता हूं। चलें। खुश रहो, खुश रहो। अम्मा उठो ना, पानी पी लो। उठो अम्मा, उठो पानी पी लो। कहाँ है वो? बिंदिया बहू गई ना उन्हें छुड़ाने के लिए। हाँ तुम पानी पियो, चलो पानी पियो। जुबली भैया गए हैं पापा को देखने। हाँ अम्मा, कहाँ? हाँ कहाँ गए? कहाँ है वो? बिंदिया बहू कहाँ है वो? हमें माफ कर दीजिए सासू माँ, मगर हम उन्हें नहीं छुड़वा सकते। नहीं छुड़वा सकते मतलब का? उन्हें जेल से छुड़वाने के लिए का तुम्हारी ताकत ना है या फिर नीयत ना है? बोलो। ये काम करवाना असूलों के खिलाफ होगा सासू मां। असूल? बात तुम रे ससुर जी की है और हमें ना तुम असूल समझा रही हो, गांव मत बन है। समझने की कोशिश करिए, अगर हमने उन्हें छुड़वा दिया तो जनता के सामने बहुत ही गलत उदाहरण हो जाएगा। हत्यारों की जय हो। अरे देख रहे हैं हम कि जब से तुम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी हो ना, तब से ना तुम हमारी बहू ना रही हो। जो काम तुमरे फोन से हो सकता है वो तक करने में आनाकानी कर रही हो। हाँ इसीलिए, क्योंकि तुम्हारे मन में हम सब लोगन के लिए ना ना ही प्यार है, ना ही आदर है और ना ही इज्जत है। गजा ए
ऐसा नहीं है सासू माँ, हम आप सबकी बहुत ही कदर करते, मगर हमें माफ कर दीजिए, हम उन्हें नहीं छुड़वा सकते। हत्यारों की जय हो। उठा रहे थे, ध्यान ही नहीं गया, कबाड़ ढिल गया और ऊपर का सामान गिर सका थे। हाँ, अच्छा हुआ आपने आके बचा लिया। तुम्हारी रक्षा का वचन लिया मैंने बिंदिया। जीत तो हमारी उसी दिन हो गई थी अभय जी, जिस दिन हमने आपके मुंह से सुना था कि आप भी हमसे उतना ही प्यार करते। अचानक इन्हें कहाँ हो गया? भाभी, अभय भैया आपको बाहर बुला रहे हैं, वो पार्टी के कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं, आइए। जा, जा। नमस्ते, आप लोग बैठिए, हम चाय लेकर आते हैं। छोटी भाभी अब आप रहने दीजिए, हम भिजवाते हैं। जी आपके माथे से सारे इल्जाम हट गए, इस बात से हम लोग सब बहुत खुश हैं। आपके हाथों असत्य पर सत्य की जीत हुई, इसीलिए हम सब चाहते हैं कि कल दशहरे के उपलक्ष्य में आपके हाथों रावण दहन हो। हम नहीं, नहीं, हम कैसे कर सकते हैं? क्यों मैडम जी, ये काम हमारा ना है और ये हमसे ना हो पाएगा। वैसे भी घर में बहुत ही परेशानी है, परदेश के काम से फुर्सत मिलेगी तो घर देखेंगे,
और रावण दहन तो आप किसी से भी करवा सकते हैं। हम आपसे विनती करते हैं, आप रावण दहन के लिए किसी और को बोल दीजिए। ये हमारा काम ना है। नमस्ते। ऐसे कैसे नहीं है बिंदिया, तुम जनता के लिए एक मिसाल बन चुकी हो। अगर तुम रावण दहन करोगी तो इससे जनता का मनोबल बढ़ेगा। ये भी तो प्रवेश का ही काम है ना, जनता के प्रति जिम्मेदारी का ही काम है ना। करोगी ना रावण दहन? कल दशहरे के दिन बिंदिया हमेशा के लिए रास्ते से हट जाएगी। देखें कल वध किसका होता है, रावण का या बिंदिया का। आपकी बड़ी कृपा है माता रानी, जो आपने हमको ऐसा प्यार करने वाला पति दिया है। इनका साथ होता है तो सब मुश्किल अपने आप आसान हो जाती है। हर साल दशहरे पर पापा बही लिखा करते थे, बहुत याद आ रही है उनकी। समझ ना आ रहा है कि भगवान जी हमें किस बात की सजा दे रहे, किस बात से नाराज है। समन बोलिए सासू माँ, हमने प्रार्थना की है माता रानी से। देखिएगा बाबूजी जल्दी घर आ जाएंगे, और फिर आज तो दशहरा है, देखिएगा सब अच्छा ही होगा। सब अच्छा हो जाएगा माँ। चलो मैं ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा हूँ। हाँ लल्ला, ठीक है। विद्या बहू, तुम्हें तो आज रावण दहन के लिए भी जाना है ना? सासू माँ, हमें वहां जाना ठीक नहीं लग रहा है। वैसे भी घर में इतनी सारी मुश्किल है, आप हमें वहां जाने के लिए मत बोलिएगा। हम यहीं घर पर रहना चाहते हैं।
ना बिंदिया बहू ना, जाना तो तुझे पड़ेगा ही ना, वरना कार्य कैसे संपन्न हो पाएगा। कितनी तैयारियां कर रहे होंगे ना सब लोग। तुम्हारे वहां पहुंचने से उम्मीदें जुड़ी होंगी सब लोगों की। इतना सब जो सोचा है वो तो धरा का धरा ही रह जाएगा। हम तो कहते हैं कि तुम्हें वहां जरूर ही जाना चाहिए।